हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। मुझे कुछ बोलना था इसलिए मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है फ्रेंड। मैं स्वीटी जी ने मुझे मैसेज किया, मेरे तक मैसेज नहीं पहुंचा। उसमें शायद कुछ गड़बड़ हो रही थी मेरे फ़ोन में, और ये शायद मेरे बेटे बेटे ने कुछ कर दिया था। तो मैंने देखा कि मैसेज तो दिख रहा है वो, पर वो छुपा छुपा था, तो कुछ मतलब दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है। और अब मैं उसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो खोल नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसकी वो खोल के देखा तो वो स्विच बंद था उसका मतलब। तो मैंने अब मैसेज देखा था, सॉरी स्वीटी जी, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, बस आपसे बात नहीं हो पाई तो डर लग रहा था। फिर जब मैंने लोगों को बातें बताई तो इधर उधर से कोई कुछ ऐसे कि ऐसे अपना वो नहीं, आईडी प्रूफ नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो और ज्यादा मुझे जरा डर लगने लगा था। क्योंकि मैंने सबको बताया कि उनका मुझे फोन नहीं लग रहा है, ना मुझे फोन नहीं कर रही है, तो गलत गलत भावनाएं आ रही थी मन में। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा दिल साफ है, आपने मेरी हेल्प करी है, मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ। मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। बस मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस इधर उधर से जब लोग बोलते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया है मुझसे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास नंबर नहीं था तो कोई बात नहीं, मैंने नंबर दे दिया है अब आपको, आप मुझे कॉल व्हाट्सअप में मैसेज कर सकती हैं। और फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है स्वीटी जी, मैंने आपके बारे में ऐसी कोई सोच विचार नहीं है। बस ऐसा है कि जब सबको बातें पता लगती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मन में बातें आ जाती हैं। मेरी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है ऐसी, बस मेरे को डर लग गया था कि ऐसा क्यों हुआ, और कुछ बात नहीं है। अगर स्वीटी जी मुझसे कुछ गलती हुई तो सॉरी, मुझे माफ कर देना। और फ्रेंड्स मेरी मुझे प्लीज, और मुझे भी माफ कर देना आप लोग भी। बस ये है कि देखो डर लगता है किसी को कि ऐसे ऐसे मतलब काम हो जाते हैं लोगों को, सबको डर लगता है। बट आपका मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचा, अगर आपका मैसेज मुझ तक पहुंचता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। और मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसी कोई गलत भावना नहीं रखी बस। बट ये था, मुझे डर लग गया था तो मैंने लोगों की बातों में आके दो एक बार तो बोल भी दी थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे आईडी प्रूफ भी दे दिया, पिन नंबर भी दे दिया, देना नहीं देता। मैंने तो सब कुछ अपने विश्वास पे आप विश्वास करके दिया है, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे आप पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको कुछ भी नहीं देती, मैं तो अपना चैनल बेचने ही जा रही थी। आपने मुझे इतना वो करा कि नहीं भावना ऐसा मत करो वैसा मत करो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। बट ये है कि मैं डर गई थी और कुछ नहीं है। और बट सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हुई है। ठीक है फ्रेंड, बाय स्वीटी, बाय फ्रेंड।